आज डॉक्टर इमरान की सीरीज के साथ, जिसमें कुछ सवाल हैं जो आए हैं आपकी तरफ से और जवाब देंगे डॉक्टर इमरान। तो डॉक्टर इमरान, आज का सवाल है हमारा, मर्दाना और जनाना बांझपन या जिस्मानी कमजोरी का में क्या फ़र्क है और उसकी क्या वजूहत है? क्योंकि ये सवाल बांझपन पे हो रहा है ना, तो मर्दाना बांझपन में, जैसे पहले भी किसी और सवाल के जवाब के अंदर ये कहा गया था कि जो मर्द का जो तौलीदी निज़ाम है उसके अंदर उसके जो स्पर्म्स हैं उसको दाखिल होना है खातून के एग्स के साथ, उसको अटैच होना है और फिर वहाँ से वो एक सफ़र शुरू होगा जो कि फिर फीटस और फिर बेबी तक पहुँचेगा। तो मर्द के जो स्पर्म्स को चेक करने के लिए कि ये वो सलाहियत हासिल कर सकेगा, उसको हम एक इस तरह तशबीह दे सकते हैं कि कोई एक घोड़ों का एक लश्कर है, ठीक है, और उसको एक मकाम तक पहुंचना है। मतलब मैं एज एग्जांपल आपको एज रेफरेंस मेटाफोरिकली बता रहा हूँ कि करोड़ों जो है वो स्पर्म्स है मर्द के जो कि खारिज होते हैं जब उसकी जैकुलेशन होती है, और वो जो बहुत सारे करोड़ों स्पर्म्स हैं, आप उनको समझ लें कि वो एक घोड़ों की तादाद है कि बहुत सारे घोड़े जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो अब पहला सवाल इसके लिए होता है कि क्या इतने इनफ घोड़े जो है वो मौजूद हैं या इतने इनफ स्पर्म काउंट मौजूद हैं कि वो उनमें से आगे जो है उस जो लश्कर है वो आगे जा सके। तो यानी अगर वो कम होंगे तो फिर जाहिर है वो आगे जाने के लिए जो तादाद है वो कम है। यानी पहली चीज़ चाहिए स्पर्म के अंदर वो क्वांटिटी चाहिए, वो तादाद चाहिए कि तादाद जो है वो बहुत सारी तादाद होनी चाहिए, बड़ी तादाद होनी चाहिए। मैं जानबूझ के आपको फिगर्स इसलिए जो है वो नहीं दे रहा हूँ कि बहुत से लोग गूगल्स पे कहते हैं कि आप लोग टीचर से सवाल पूछ सकते हैं कि हमने अपनी टेस्ट रिपोर्ट कराई थी जो स्पर्म काउंट है, इतना स्पर्म काउंट सही, इतना स्पर्म काउंट सही, इतना स्पर्म काउंट सही। जब हम टोटलिटी के अंदर सेक्स थेरेपी को हैंडल करते हैं शख्स की, तो बहुत कम काउंट भी काफ़ी होता है और बहुत सारा काउंट भी काफ़ी नहीं होता। तो इसीलिए बहुत से लोग वो जो नंबर गेम के अंदर चले जाते हैं और वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है कि कितने कम नंबर और कितने ज़्यादा नंबर इनफ होते हैं। और डॉक्टर जब आपको वजह से मैंने आपको कहा कि टोटलिटी के अंदर आपकी इस इनफर्टिलिटी को देखता है मर्द की, उसके टाइप को कहते हैं कि यार ये स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी है। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए कई बार बता रहा हूँ कि उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि वैसे भी करोड़ों के अंदर होती। उसके बाद जो है वो जो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो घोड़े हैं ये सेहतमंद कितने हैं। यानी पैदा तो बहुत सारे कर दिए हैं, बहुत सारे बाहर भी आ गए, लेकिन ये जानदार भी हैं या नहीं है। अच्छा, जब जानदार हैं तो जैसे आपको पता है कि किसी भी एक जानदार शख्स का या जानदार सेल का एक फॉर्मेट होता है, तो इसी तरह इनका भी एक शेप होता है, एक हेड होता है, टेल होती है, बीच का स्ट्रक्चर होता है। तो वो कितना म्यूटेटेड है, ओके, यानी लेट्स सपोज आपके यार घोड़े तो बेहिसाब है लेकिन लंगड़े लूले ज़्यादा है उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि वो अगर लंगड़े लूले ज़्यादा है तो उनकी जो सेहत है वो मुतासर कौन नहीं है। तो पहली चीज़ ये है, फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत सारे होने चाहिए, उसके बाद उनमें से ज़्यादातर या मेजॉरिटी ऑफ देम बहुत सेहतमंद होने चाहिए, ठीक है। अब शुरू होगी दौड़ भागने की, यानी अब इसकी भागने की सलाहियत कैसी है कि जो ये अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। तो अब अगर ये मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए इसके अंदर भागने की सलाहियत नहीं है, तो अगर ये बहुत सारे भी हैं और बहुत सेहतमंद भी हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वो मंजिल मकसूद तक पहुँच ही नहीं सकेगा। इन करोड़ों में से किसी एक को जाके एक एग के साथ अटैच होना है और फिर आगे का सफ़र शुरू होना है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना जो ज़रूरी होगा कि इनकी काउंट के ऊपर भी काम हो सकता है, दूसरा इसके बाद इनको जो सेहत है उसके ऊपर भी जो है वो काम हो सकता है, और फिर इनको वहाँ तक पहुँचाना और वो किस तरह जो है वो पहुँचता है। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि अगर वो पैदा कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर वो पैदा हो रहे हैं और वो सेहतमंद नहीं है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है, हम एज अ डॉक्टर जो है उसको असेस करते हैं। और फिर वो रास्ते के अंदर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर रास्ते के अंदर वो सारे क्यों मर जाते हैं और उसमें से कोई एक भी जो है वो बराबर क्यों नहीं हो पाता है। तो ये जो बांझपन की जो आपने बात कही है, मैं आगे पहले वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेक्सुअल परफॉर्मेंस और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी और जो दूसरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की जो इश्यूज होते हैं उसका बांझपन से ताल्लुक डिफरेंट है।
कि वहाँ पर जो है वो पहुँचने के बाद ये जो ये मैं आपको एक बायोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह जो बेकायदगियाँ ख्वातीन के अंदर होती हैं उनके एग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस के अंदर, अगेन हेल्थ ऑफ उस पर, फिर जो ख्वातीन की पॉलीसिस्ट इश्यूज होते हैं उनके जो फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर अगर जो है वो प्रॉब्लम है, एसिडिटी बड़ा एक मेजर जो है वो रोल होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और जिसकी वजह से वो अगर वो पहुंचता भी है तो भी वो जो स्पर्म है वो डाई हो जाता है। तो ये जो फिजिकल इश्यूज होते हैं बांझपन के, उनको एक यूरोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट विद अ कॉम्बिनेशन और विद सम ब्लड रिपोर्ट्स एंड फिजिकल एग्जाम्स इसको जो है वो रूल आउट किया जाता है।